Assalamualaikum friends, welcome to my YouTube channel Dil Dil Virkistan. मैं हूँ मोहम्मद रजा अब्बास विर्क और आप देख रहे हैं हमारी लाइफ लेसन्स की थर्ड एपिसोड. फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इस पैगाम को आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे कि करबला का वाक़या दरअसल तमाम इंसानियत के लिए है जो मजहबी और फ़िरका वराना हदूद से मावरा है, और ये वाक़या किस तरह हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की कुर्बानी का शुक्रिया अदा करने का सबक देता है. फ्रेंड्स, मुहर्रम का महीना और करबला के अलमनाक वाक़या दुनिया भर के करोड़ों लोगों के लिए बेहद अहमियत रखते हैं. ये वो महीना है जब तमाम इंसान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत पर अपने अपने अंदाज से गम का इजहार करते हैं. हम वाकई करबला से ऐसा क्या सबक हासिल कर सकते हैं जो मजहबी अकायद से बालातर हो, और आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे. करबला का वाकया हमें इंसानियत, इखलाकियात और इंसाफ की आलमी इकदार सिखाता है. ये हमें याद दिलाता है कि हमारी मजहबी या फिरका वाराना वाबस्तियों से कतअ नज़र हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की कुर्बानी का एतराफ़ करने के लिए इंसानों की हैसियत से इकट्ठे होना चाहिए. फ्रेंड्स, यहाँ कुछ लोग सवाल कर सकते हैं कि इंसान कई दिहाइयों बाद भी करबला के साने का सोग क्यों मनाता है. ये समझना ज़रूरी है कि सोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खोने के गम तक ही महदूद नहीं है, बल्कि आलमी इंसाफ, रास्तबाजी और इंसानी इकदार के तहफ्फुज़ के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का एहतराम करने का एक तरीका भी है. फ्रेंड्स, याद रखें कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जुल्म और बदनवानी के ख़िलाफ़ खड़े हुए थे, और इन्होंने अपने और अपने अहलो अयाल की ज़िंदगियों को सच्चाई, इंसाफ और मसावात के असूलों के तहफ्फुज़ के लिए कुर्बान कर दिया था. फ्रेंड्स, करबला से जो सबक हम आज हासिल कर सकते हैं वो ये है कि हर इंसान को अपने मखसूस अकीदे या पस मंज़र से कतअ नज़र हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों का शुक्रगुजार होना चाहिए कि जिन्होंने इंसानियत को बचाने और इखलाकी इकदार को बरकरार रखने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी. फ्रेंड्स, वाकई करबला हमें हमदर्दी और इत्तेहाद को कबूल करने का पैगाम देता है. अपने मजहबी इख्तलाफात को पसे पुश डालकर जुल्म, जबर और नाइंसाफी के खिलाफ खड़े होने की याद दिलाता है. ये वाकया हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों का शुक्रगुजार होने की तालीम देता है जिन्होंने हक और सच के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया और तमाम इंसानों को रहती दुनिया तक हक और सच का साथ देने का हौसला दिया. फ्रेंड्स, जब हम मुहर्रम के महीने का मुशाहिदा करते हैं और वाकया करबला में पेश आने वाले वाकयात को याद करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये वाकया किसी ख़ास फ़िरके या मज़हब तक महदूद नहीं है, बल्कि ये हमें एक ऐसा मौका फराहम करता है कि हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, अपने आमाल का मुहासिबा करें और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की पुरनूर ज़िंदगियों को अपने लिए मशाले राह बनाएं. फ्रेंड्स, आखिर में मजहबी अकायद या फ़िरकों से कतअ नज़र आइए हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की कुर्बानी को याद करें और इनके गम को अपने अपने अंदाज से एहतराम के साथ मुत्तहिद होकर मनाएं और करबला के पैगाम को अपने दिलों में गूंजने दें और सब मिलकर एक हमदर्द, इंसाफ पसंद और हम आहंगी वाली दुनिया बनाने की कोशिश करें. फ्रेंड्स, लाइफ लेसन्स की इस एपिसोड में मेरे साथ जुड़े रहने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया. मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. तो चलें फ्रेंड्स, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक अल्लाह हाफिज़.